পাইথাগো হাপাংনি দাগি মুম্বাই সবাই জাকা হাপাংনি থায়ুস নামজাক ভারত রত্ন ক্লাব নি দুই তালা নক স্রাং সাল ফুঙ্গাই সিরি সিরি নি সিমি চেং জাকা নক সবাই মানি সমং বুলডজার চালগই সবাই খিবি জাকা ভারত রত্ন ক্লাব নক ক্লাব নক সবাই জাক ফুরো আর মানজাকা পশ্চিম ভাঙ্গনি পুলিশ তাং ফাং কিরণ কুমার কে ক্লাব নক সবাই মানি জড়া নাংখা দাম্বরি হাই অশাল পশ্চিম ভাঙ্গনি হাঙ্গরফা ডক্টর বিশাল কুমার সগা ভারত রত্ন ক্লাব নি তাং ফাং দুর্গা প্রসন্ন দেব বথার জাক মানি ন চেরি নাইন অক্ষরে জুদা জুদা কক রক বুসকাঙ্গ ফাইকা তাই অ ক্লাব নক নি থাই নি কক বু বুসকাঙ্গ ফাইকা অ ক্লাব নক গবাং মার রাইতা চাই খাই সংরক খাই জাগো আমন রুগিন আম চাই বেলাই নু জিং জাল কা সমানি হাবাং নি থাই নো ইয়াগো চবই তনি মানি বিশি কলক রমই অম রাইদা ও করি আমনি বাগে ক্লাব নক সবাই নানি বাগে ক্লাব নি আদং রক্ন হাতি বাসনি নোটিশ রে জাগ মানি ফিয়াবা মংসা ফিরক মং করে আমনি বাগে হাবাং নি ফাশিংতে অম সাক্ষাৎ চাকা देखिए एक क्लब है भारत रत्न संघ, उनकी क्लब की जो बिल्डिंग थी वो खास ज़मीन पे थी, तो डिमार्केशन करके और ड्यू ब्लॉक का प्रोसीजर फॉलो करके इसको आज हम लोग डेमोलिश कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में यहाँ पे गवर्नमेंट के कुछ अच्छे प्रोजेक्ट जैसे एक PHC का प्लान है वो किया जा सके। साथ ही साथ सरकार की तरफ से एक तरह का मैसेज भी इसके थ्रू हम देना चाहते हैं कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी आदमी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या इस तरह की एक्टिविटीज़ में एलिजिबली इन्वॉल्व रहता है, जैसे लैंड माफिया ग्रीन स्मगलिंग अथवा टेंडर नेगोशिएशन, तो उनके खिलाफ सरकार उप कार्रवाई करेगी, सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। ये त्रिपुरा सरकार की जीरो टॉलरेंस टू क्राइम की पॉलिसी के अनुरूप ये किया जा रहा है। सर, एक क्लब तो बहुत दिन पहले से ही शुरू हुआ है, इतने दिन की बात क्यों तोड़ने के लिए आप लोग दे रहे हो, इतने दिन क्यों नहीं तोड़ा है? देखिए, जब तक सामाजिक तरीके से और सुचारू रूप से ये क्लब चल रहा था तब तक हमने इसको सपोर्ट किया या किसी तरीके से इसको अनदेखी करी ताकि समाज में संतुलन बना रहे। लेकिन जब पाया गया कि कुछ पुराने इनके मेंबर्स अथवा नए मेंबर्स क्राइम रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं, तो इस पर एक डिसीज़न लिया गया कि इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। ना केवल उन लोगों को कानूनी कार्रवाई उन लोगों के अगेंस्ट भी की जाएगी परंतु उन प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट भी की जाएगी जो उन्होंने क्राइम रिलेटेड ऑफेंस से यहाँ पर अर्जित किया है। तो इसी उद्देश्य से हम लोग ये एक्टिविटी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो ड्राइव है एनक्रोचमेंट फ्री त्रिपुरा करने का और जो हमें इतनी इम्पॉर्टेंट लैंड चाहिए PHC के लिए, उसके फिर बहुत सारी चीज़ें कंबाइन करके डिसीजन लिया गया। सर, इससे पहले यहाँ पर एक घटना घटी थी जो मर्डर हुआ था, उसके रिलेटेड ही कि एक क्लब तोड़ रहे? नहीं, उससे तो डायरेक्टली लिंक नहीं किया जा सकता क्योंकि ये तो स्टेट पॉलिसी के लेवल पे डिसीजन हो रहा है, ना कि उसमें इंसिडेंट है। और बट यही मैसेज है कि कोई भी जो क्राइम से रिलेटेड होगा उसके अगेंस्ट में कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी स्मगलिंग में हो, लैंड माफिया में हो अथवा ट्रेड नेगोशिएशन में हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की। कितनी जगह है ये गवर्नमेंट का? ये लगभग सवा कानी के आसपास जगह है और हम लोग इसमें फ्यूचर में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का प्लान कर रहे हैं। सर, अगर ये अगरतला शहर में और कोई क्लब है जो गवर्नमेंट का एरिया में है? सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो लोग भी गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं और गवर्नमेंट लैंड पे इंक्रोचमेंट करते हैं, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। यहाँ पर अभी अभी पुलिस और प्रशासन की टीम है, फायर ऑफिस फायर सर्विस से भी लोग हैं, TACCL से हैं, CMO ऑफिस से लोग हैं, फिर CRPF की बटालियंस हैं, यहाँ पर लगभग पूरा प्रशासन यहाँ पे मौजूद है, इंजीनियर्स हैं हमारे, सभी लोग हैं। थैंक यू।